नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोसली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव अपने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उमड़े जुलूस को देखकर गदगद हो गए और कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार हुआ और कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बता रहा है कि इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2/3 बहुमत हासिल कर 60 से अधिक सीटों पर विजयी होगी। हरियाणा के कोने कोने से ये आवाज़ उठ रही है कि निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव ने कांग्रेसी नेता राव यादवेंद्र सिंह के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोसली से शायद मुझे टिकट न मिले, लेकिन उस शख्स को यानी जगदीश यादव को वोट नहीं देना, पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपकी ही सोचो, शख्स तो वही होता है जिसमें कोई शख्सियत होती है। उन्होंने कहा, निर्दलीयों के चुनाव लड़ने या न लड़ने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा मुख्य मुद्दे हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर रोजगार और विकास को गति मिलेगी, नए काम होंगे। कोसली में IMT का निर्माण कर नए उद्योग लगेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा का व्यापारीकरण बंद कर सरकारी स्कूलों को तवज्जो देंगे ताकि हर गरीब को सस्ती शिक्षा मिले। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियां देने का काम करेगी कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कमजोर प्रतिनिधित्व के कारण कोसली का विकास नहीं हो सका, जिसे पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी। इसके लिए चुनाव मैदान में चुनौती नहीं, आगे कांग्रेस और बहुत दूर भाजपा खड़ी मिलेगी। ऑफिस का यहाँ उद्घाटन, क्या इनका जोश है? हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं का जोश है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट आया, पिछले बार हम 10 की 10 सीट हमारी नहीं आई और इस बार 5 सीट जब लेकर के आए तो लोगों में उत्साह का संचार हुआ और इस बार हरियाणा प्रदेश की कोने कोने से आवाज आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश है कि जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हमारे इलाके का भी सत्ता में हिस्सेदारी होगी और विकास होगा। देखिए, 5 सीटें लोकसभा में मिली, इस बार क्या अपेक्षा रखते हैं विधानसभा चुनाव? इस बार मुझे लगता है हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीट लेके जाएंगे, 60 से ऊपर सीट आएंगे। हाँ, उससे भी बढ़िया लहर चल रही है इस बार। देखिए, अभी कुछ समय पहले राहुल यादवेंद्र ने अपने एक बयान में कहा कि हो सकता है 1% मुझे टिकट ना मिले, लेकिन बिना किसी का नाम लिए कहा उस व्यक्ति को वोट नहीं देना, और आज वो लोग भी जो कांग्रेस में थे आज बगावत पर उतर आए। वो उनके अपने विचार हैं, उन्होंने कहा उस व्यक्ति को कहा ना, मेरा नाम थोड़ी लिया, नहीं नाम किसी का नहीं लिया, उस शख्स को, उस शख्स का है, उस शख्स को मानते ना वो, उसको शख्स किसको कहते हो आप? जो मजबूत आदमी, शख्सियत हो जिसकी, उसको शख्स कहते हैं। तो उस शख्स को वोट मत देना, तो आप अंदाजा लगा सकते हो किसके लिए कहा होगा। जगदीश जी, जो व्यक्ति कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे आज वही बागी हो गए हैं क्या? कहाँ बागी हो गए? कोई बागी नहीं, वो बागी मांग रहे थे, बागी नहीं हुए। देखिए, जो निर्दलीय विधायक लड़ रहे हैं चुनाव, पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, क्या अब उसका कोई नुकसान होगा कांग्रेस को? नहीं नहीं, कांग्रेस को क्या नुकसान, कांग्रेस का एक भी वोट नहीं जाएगा उनको। वो जो कांग्रेस छोड़ करके इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनकी असलियत सामने आ जाएगी। जैसे जी, मुद्दे होते हैं बहुत सारे चुनाव में जाने के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में जाने के लिए? तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और ये सब मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बहुत निकट समस्या है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, शिलान्यास कर दिए तो काम पूरे नहीं हुए, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, काम नहीं हुआ, तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं। विकास कार्यों को गति देनी है, नए काम करवाने हैं, उसके अलावा IMT का निर्माण करवाना है कोसली विधानसभा क्षेत्र में, ताकि IMT बने तो यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के साधन मिले, रोजगार